हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आप सभी का 27 गेम टैग के एक और नए ट्यूटोरियल वीडियो के अंदर। भाई आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने 5M सर्वर के अंदर एक मलिबू मेंशन और ऐसे कई सारे मेंशंस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो इन अ वेरी इजी और सिंपल मैट। अभी भाई कुछ मेंशंस जो ऐसे होते हैं वो आपको 5M की जो ऑफिशियल साइट है CFXRE उसके ऊपर ऑलरेडी मिल जाएंगे, बट ये मलिबू मेंशन की जो फाइल है ना वो आप देख सकते हो यहाँ पे एड ऑन SP मतलब कि भाई सिंगल प्लेयर के लिए। तो उसको हम लोग 5M में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो भाई आज के वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो उसके लिए हम लोग को हमारे कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगे। रिक्वायरमेंट्स ये है कि भाई सबसे पहली चीज़ जो कि आपको चाहिए वो आपका खुद का 5M सर्वर रहना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको चाहिए ओपन IV। तीसरी चीज़ आपको चाहिए एक मैप का रिसोर्स डॉट लुआ फाइल, उसको मैंने ऑलरेडी अपने गूगल ड्राइव पर अपलोड कर लिया है, जैसे कि अभी आपको दिखा रहा हूँ ये मेरे मैप का रिसोर्स लुआ फाइल। आपको इसके ऊपर क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर मैप वाला जो आगे का लाइन जो लिखा हुआ है ना उसको हमको रीनेम करके निकाल लेना है, क्योंकि भाई हर एक रिसोर्स लुआ का ना सेम टू सेम रहता है, ठीक है। तो आपको वो करना पड़ेगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे मैप बिल्डर सर्वर साइड का, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी सर्वर साइड का मैप बिल्डर दिया हुआ है, तो आपको वही इंस्टॉल करना रहेगा। तो भाई ये है अपने रिक्वायरमेंट्स। तो चलो भाई डाउनलोडिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई मेरे पास ऑलरेडी रिसोर्स हुआ तो है ही, तो मैं उसको नहीं डाउनलोड करने वाला। हम लोग मलिबू मेंशन डाउनलोड करेंगे, तो भाई ये सिर्फ 86 MB का ही है, तो हम लोग इसको यहाँ से इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेंगे। तो ये मैंने भाई मलिबू मेंशन डाउनलोड कर रहा हूँ एंड अभी हम लोग डाउनलोड करेंगे ये सर्वर साइड का मैप बिल्डर, ठीक है। मैप बिल्डर भाई ज़रूरी है क्योंकि उससे आपके कई जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना वो लोड हो जाते हैं। तो भाई ये रहा मैप बिल्डर भी हम लोग यहाँ पे डाउनलोड कर रहे हैं, और जब तक मैप बिल्डर डाउनलोड होता है तब तक भाई ना हम लोग अपना ये पेज ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे इस विंडो के अंदर हमारे पास फॉर मैप का रिसोर्स लो आपके पास ऐसा ही होगा। आपको क्या करना है, सिंपली इसको रीनेम करना है और यहाँ अंडरस्कोर से पहले का पी के बाजू से हमको ये सारा हटा लेना है, जिससे भाई अपना यहाँ पे रिसोर्स का लुआ फोल्डर बन गया। अभी हम लोग यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम देंगे हम लोग मलिबू अंडरस्कोर मैंशन, ठीक है। ये आपको नाम देना है। जिप फाइल ओपन करेंगे मलिबू मैंशन का, देखो अपना मैप बिल्डर भी ओपन हो गया, इंस्टॉल हो गया, ठीक है। मलिबू मैंशन का जिप फाइल हमने ओपन किया और हमें मेन फाइल्स के अंदर से मलिबू मैंशन के अंदर से जो DLC.RPF है उसको मैं सीधा पकड़ के डाल देना है अपने फोल्डर के अंदर। तो ये भाई हमने मलिबू मेंशन की फाइल जो है DLC.RPF वो हमने डाल दी अपने सर्वर के अंदर, अपने सर्वर का जो फोल्डर बनेगा उसके अंदर हमने डाल दी। अभी हमें सेम वे करना है रिसोर्स लुआ के साथ, तो रिसोर्स लुआ के फाइल को हम लोग कॉपी करेंगे एंड वी आर गोइंग टू इंस्टॉल इट राइट हियर। और यहाँ पर हमने एक नया फोल्डर बनाया है जिसका नाम देना है टीम, जो हमने एड ऑन कार के साथ किया वही हमको यहाँ पर करना है। अभी हम लोग ओपन करेंगे ओपन IV, ठीक है। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ अपना ओपन IV को ओपन। ओके, तो मेरा यहाँ पे ओपन IV हो चुका है ओपन। अभी यहाँ से एडिट मोड को हम लोग कर देंगे ऑन, अपनी जो DLC.RPF है मलिबू मेंशन की उसको क्लिक एंड ड्रैग करके हम लोग यहाँ पे ये खाली जगह पे छोड़ देंगे, जिससे ये मलिबू मेंशन का फाइल ओपन हो गया। X64 के अंदर जाएंगे, लेवल्स, GTFI और ये तीनों की तीनों जो RPF दिख रही है ना, हमको इन सभी तीनों की तीनों RPF को खोलना है। उसको खोल के पास डाटा कहाँ पे डालना है, तो स्ट्रीम फोल्डर के अंदर पहली RPF खोलेंगे, सभी फाइल्स को सिलेक्ट करना है, क्लिक एंड ड्रैग, ड्रॉप देम आउटसाइड। ये पहला फाइल हो गया, दूसरा फाइल को ओपन करेंगे, सभी फाइल को सिलेक्ट करना है, क्लिक एंड ड्रैग, ड्रॉप देम आउटसाइड। ये दूसरा फाइल भी यहाँ पे कॉपी हो रहा है, उसके थोड़े से ज़्यादा फाइल्स है तो थोड़ा देर लगाएगा, बट यहाँ पे ये भी हो गया कॉपी। तीसरा फाइल को ओपन करेंगे, कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑल एंड ड्रॉप इट राइट हियर। तो स्ट्रीम फोल्डर के अंदर में यहाँ पे मलिबू मेंशन को इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। ओपन आई को करेंगे क्लोज और ये मलिबू मेंशन के DLC.RPF को भी निकाल देंगे हम लोग। यहाँ पे मलिबू मेंशन की भी फाइल बन गई है। अभी मैं जाऊँगा अपने सर्वर के रिसोर्स फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो ये मेरा सर्वर है, ये मेरा रिसोर्सेज का ये फोल्डर है। अभी हमको क्या करना है, सबसे पहले मैप बिल्डर इंस्टॉल करेंगे। एंड ऑल्सो गाइस एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना ये है हमको कि भाई हमको जो सर्वर CFG का ना मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ना हम लोग ये दो दो ओपन हो गया, कोई बात नहीं। ओके, हम लोग इसको यहाँ पे साइड पे ले जाएंगे। अभी मैप बिल्डर हम लोग इंस्टॉल करेंगे, तो ये MB डिस्कवरी और MB मैप्स दोनों फोल्डर का हमें यहाँ पे रिसोर्स फोल्डर के अंदर डाल देना है। अभी मैं आपको ना एक फंडा दिखाता हूँ, फंडा क्या होगा, ठीक है। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पे मैप बिल्डर को भी इंस्टॉल कर लिया है इन अवर 5M सर्वर। मलिबू मेंशन का भी हम लोग फोल्डर यहाँ पे लेके आ जाएंगे। अभी हमको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी क्या है, वो हमको सबसे पहली चीज़ यहाँ पे सर्वर CFG के अंदर गाइस जो फाइल की नाम आप लोग ऊपर रखोगे वो सबसे पहले लोड होगा, ठीक है। जैसे कि भाई अगर मेरे को मलिबू मेंशन से पहले
मेरे को मैप बिल्डर लोड करना है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एंश्योर लिखूँगा, सॉरी एंश्योर, और सबसे पहले मैं लोड करूँगा एम बी डिस्कवरी, तो एम बी अंडर स्कोर डिस्कवरी, ठीक है। उसके बाद करूँगा एंश्योर एम बी मैप्स, ये हो गया। अभी मैप बिल्डर को हमेशा पहले ही लोड करो अपने कोई भी मेंशन से पहले, क्योंकि भाई हर एक जो ऑब्जेक्ट होता है उसको लोड होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो यहाँ पे हम लोग फिर अभी हम लोग लोड करेंगे अपना मलिबू मेंशन। तो एक काम करता हूँ, इसका नाम मैं कॉपी ही कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। सॉरी ये ऊपर क्यों आ गया भाई, कोई नहीं, फुल स्क्रीन हो गया तो दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग कर देंगे पेस्ट और हमें इसको कर लेना है सेव। तो भाई हमारा यहाँ पे मैप बिल्डर डिस्कवरी इंस्टॉल हो गया, एम बी मैप्स और मलिबू मेंशन भी अपना इंस्टॉल हो गया, और उसको हमने सर्वर के अंदर जो एंश्योर करके उसको भी हमने चला लिया है। अभी हमको रन करना है अपना 5M सर्वर को, ठीक है। ये रहा FX सर्वर, हम लोग यहाँ से अपने सर्वर को रन करेंगे और देखेंगे कि हमको यहाँ पे दिख रहा है या नहीं। अभी भी मैंने गाइस वी मेन्यू को कॉन्फ़िगर नहीं किया तो उसका मेरे को दिखाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऑब्वियसली मेरा तो चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वी मेन्यू का कर दिया। अभी देखो मैप बिल्डर पहली बार हो रहा है ना, इसे देखो यार सभी की सभी चीज़ें लोड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा बलिबू मेंशन आ गया है। तो चलो भाई अभी हम लोग चलते हैं मेरे सर्वर के अंदर एंड लेट्स सी के क्या हम लोग मलिबू मेंशन के अंदर जा सकते हैं, चल सकते हैं, घूम सकते हैं या नहीं। ओके तो देख सकते हो भाई मैं यहाँ पे अपने सर्वर के अंदर हो जाता हूँ कनेक्ट। ओके तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ अपने 5M सर्वर के अंदर। अभी मैं यहाँ से ओपन करूँगा अपना मैप और मलिबू मेंशन यहाँ पे होना चाहिए। मैं हर बार ना मलिबू मेंशन में बार बार इंस्टॉल करता रहता था, पर मैं हर बार उसका डायरेक्शन ही वो रहा आ गया, एज यू कैन सी राइट हियर। और मैंने इस सर्वर के अंदर मेन्यू भी डाला हुआ है। येस गाइज, मेन्यू मोड को आप अपने 5M सर्वर के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो उसी का आ रहा है कि आप मेन्यू मोड को अपने 5M के अंदर कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। सो भाई आ जाएगा वीडियो और देख सकते हो भाई जैसे ही मैं यहाँ पे मलिबू मेंशन के अंदर भाई मैं आराम से जा सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के। चलो भाई व्हीकल ले लेता हूँ, भाई थोड़ा सा चल भी नहीं सकता मैं इतना आलसू। ओके तो भाई देख सकते हो मैंने जो एड ऑन गाड़ी डाली हुई है उसको भी यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। ये देखो भाई मलिबू मेंशन के अंदर, और आप खुद ऊपर वहाँ पे देख सकते हो ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे 5M लिखा हुआ है, ठीक है। तो भाई ये देख सकते हो भाई मैं मलिबू मेंशन के अंदर घूम रहा हूँ, जिसको मैंने अभी अभी आपके सामने इंस्टॉल किया इन माई 5M सर्वर, और भाई बहुत ही तगड़ी तरीके से ये चल रहा है। तो गाइज अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन भाई, जिससे मेरे को काफ़ी मदद मिल सकती है, और जिस बंदे को इस वीडियो की ज़रूरत होती है उसके तरफ ये वीडियो पहुँचेगा और मेरी काफ़ी हेल्प हो सकती है। इसी के साथ गाइज हम लोग मिलते हैं इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो। नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो जैसा कि मैंने आपको बोला कि आई विल बी इंस्टॉलिंग मेन्यू ट्रेनर इन 5M। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक स्टे सेफ, कीप गेमिंग एंड कीप मॉडिंग।